अस्सलाम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है जी। बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। पहले हमने पढ़े थे सेल वॉल इनहिबिटर्स, अब हम देख रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में जो चीजें हमारे पास आती हैं उनमें मैक्रोलाइड्स है, क्लिंडामाइसिन है एंड क्लोरामफेनिकोल है। ये तीन हमारे पास आएंगी क्लासेस जिसके हम आगे से डिस्कशन करेंगे। मैक्रोलाइड्स हैं जिसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, जिसका निमोनिक हमने बनाया हुआ है केयर। ठीक है, और ये सारी ड्रग्स जो हैं वो मैक्रोलाइड्स के अंडर आती हैं। मैक्रोलाइड्स क्या हैं? एंटीबायोटिक्स हैं जिनमें एक लेक्टोन रिंग प्रेजेंट होता है। जैसे लेक्टैम रिंग प्रेजेंट था सेल वॉल इनहिबिटर्स में, इस तरीके से इसमें एक लेक्टोन रिंग प्रेजेंट है। और ये किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए। उसके अलावा माइकोप्लाज्म्स के लिए, रिकेट्सी के लिए, और ड्रग ऑफ चॉइस है उनमें, उन पेशेंट्स में जो कि एलर्जिक हो बीटा लैक्टैम एंटीबायोटिक से, यानी जो कि पेंसिलिन, सेफलोस्पोरिन्स वगैरह से एलर्जिक थे उस केस में। है क्या? इसमें मैक्रो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग होता है जिसके साथ डी ऑक्सी शुगर्स अटैच हुए हुए होते हैं। जो इसकी प्रोटोटाइप ड्रग है, यानी कि जो जो सबसे पहले डिराइव की गई थी या जो बनाई गई थी, वो एरिथ्रोमाइसिन थी, और इसे डिराइव किया था स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस से। ठीक है, जिससे इसका नाम एरिथ्रोमाइसिन रखा गया। आगे जो ड्रग्स बनाई गई हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, वो इसकी सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन सॉल्युबल इन वाटर नहीं है, इसको एस्टर्स या सॉल्ट्स के साथ मिलाकर डिस्पेंस किया जाता है। बैक्टीरियसिडल है, पर्टिकुलरली हायर कंसेंट्रेशन पे ज्यादा, और एनहेंस करती है अल्कलाइन पीएच, अपना इफेक्ट इनका एनहेंस हो जाता है एट द अल्कलाइन पीएच। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन करनी है, तो क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस कैसे इनहिबिट होगी? कि जो राइबोसोमल आरएनए है बैक्टीरिया का, उसके 50S सब यूनिट पे जाके ये अटैच हो जाती है। और जो बाइंडिंग साइट है इनकी, वो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर के करीब में होती है। ट्रांसपेप्टाइडेशन को स्टॉप करती हैं, वो कैसे? कि जो पेप्टाइड चेन की इलोंगेशन होती है वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि एक पेप्टाइड चेन जब दूसरी पेप्टाइड चेन के साथ मिलनी होती है, जो कि ट्रांसपेप्टाइडेशन होनी होती है, और फिर आगे उससे प्रोटीन्स बनती है, उसको ये इनहिबिट कर देती है और ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा 50S राइबोसोमल सब यूनिट की ही फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से उससे फिर आगे इफेक्ट शो ही नहीं होता। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी किस किस के अगेंस्ट है? इसकी ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स सच एज नेजेरिया, इनके अगेंस्ट। रेजिस्टेंस इसकी डेवलप कैसे हो जाती है? थ्री मैकेनिजम्स हैं। या तो परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, यानी ये सेल वॉल से, सेल मेम्ब्रेन से अंदर दाखिल ही नहीं हो सके, या ये गए और इनको एक्टिवली इफ्लक्स बाहर कर दिया गया। ठीक है, दूसरी चीज एंटेरोबैक्टेरिसी जो है, जो एक मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या बना लेते हैं? एस्टरेजेस बना लेते हैं। जैसे लैक्टामेज बनाए थे, उस तरीके से इन्होंने एस्टरेजेस बना लिए हैं, जो कि फिर हाइड्रोलाइज कर देते हैं मैक्रोलाइड्स को, यानी कि उनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। या फिर मॉडिफिकेशन हो जाती है राइबोसोमल बाइंडिंग साइट की, उससे क्या होता है कि राइबोसोमल प्रोटेक्शन हो जाती है, यानी कि जो 50S सब यूनिट था जहां पे जाके उसने अटैच होना था, वहां पे ही मॉडिफिकेशन कर लेता है बैक्टीरिया, और वहां पे फिर ये अटैच नहीं हो पाते। इसके अलावा ये कि अगर एक से रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, तो क्रॉस रेजिस्टेंस यानी बाकी सबसे भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। ठीक है, बाकी की मैक्रोलाइट से भी। सॉरी, फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे, इसके स्टमक एसिड से डिस्ट्रॉय कर देता है, इस वजह से इसे एंटेरिक कोटिंग भी दिया जाता है। एंटेरिक कोटिंग का क्या मतलब है? कि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इसकी टैबलेट्स के ऊपर, ताकि ये स्टमक में जाके एसिड इस पर अटैक ना करे, और जो टारगेट ऑर्गन है जहां पे इसने अपना इफेक्ट करना है वहां पे जाके करे। फूड के साथ इसकी इंटरफेरेंस है, फूड के साथ इसको नहीं देते, एक घंटा पहले, दो घंटे बाद, इस तरीके से इसका टाइम मैनेज किया जाता है। सीरम हाफ लाइफ इसकी अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स है। बाइल में एक्सक्रीट होता है, और सिर्फ 5% जो है वो यूरिन में है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ब्रेन और सीएसएफ को क्रॉस नहीं करता, जबकि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, और फीटस में भी इसके इफेक्ट्स मिलते हैं। क्लिनिकल यूजेस इसके क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है कोरिनोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, डिफ्थेरिया में, कोरिनोबैक्टीरियल सेप्सिस में, एरिथ्रेसीमा में, रेस्पिरेटरी डिजीजेस में, न्यूनेटल, ऑक्यूलर और जेनिटल क्लेमाइडियल इन्फेक्शन में जो होते हैं उनमें भी। इसके अलावा कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया जो है उसमें इसको यूज करते हैं। जो पेशेंट्स पेंसिलिन से एलर्जी हो या बीटा लैक्टैम से एलर्जिक होते हैं उनमें यूज होता है। इसके अलावा जैसे हमने पेंसिलिन को यूज किया था प्रोफाइलेक्टिकली डेंटल प्रोसीजर्स में, उस तरीके से इसका भी यूज है, प्रोफाइलेक्टिक यूज है इसका। ठीक है, वेल्वुलर हार्ट पेशेंट्स में जिनमें हमने कोई डेंटल प्रोसीजर्स करना हो उसमें इसको पहले से दिया जाता है।
0.25-0.6 ग्राम एवरी 6 आवर्स इसकी डोजेज दी जाती है। ओरल एरिथ्रोमाइसिन जो है उसे कंबाइन कर देते हैं नियोमाइसिन या कैनामाइसिन के साथ, और बेसिकली ये अगर दिया जाता है तो ये प्री ऑपरेटिव प्रेपरेशन ऑफ कोलोन के लिए दिया जाता है। आईवी डोजेज अगर देंगे तो वो भी एवरी 6 आवर्स उसी तरीके से 0.5 या 1 ग्राम एडल्ट में देंगे। एडवर्स रिएक्शन इसमें एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, GI डिस्टर्बेंसेज हो सकती हैं। इसके अलावा एक्यूट कोलेस्टेटिक हेपेटाइटिस भी हो जाता है, फीवर, इओसिनोफिलिया और रैशेज इसके सारे कॉमन इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लरिथ्रोमाइसिन जो कि इसका डेरिवेटिव है। इसमें हमने क्या किया, मिथाइल ग्रुप को ऐड किया है एरिथ्रोमाइसिन के साथ, तो हमारे पास क्लरिथ्रोमाइसिन आ गया है। उससे इसकी एसिड से स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो गई है, जो कि इसकी जो कि हमने पढ़ा था कि स्टमक में स्टमक के एसिड्स में जाके ये डिग्रेड हो जाता है, वो नहीं होगा। इसके अलावा इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन जो है वो भी बेटर है कंपेरेबली। एंटीबैक्टीरियल एक्शन सेम है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। किस किस के अगेंस्ट है, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के और एच इन्फ्लुएंजा के। इनके अगेंस्ट ये ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू एरिथ्रोमाइसिन। रिकमेंडेड डोजेज इसकी 250-500 मिलीग्राम ट्वाइस डेली या 1000 मिलीग्राम एक्सटेंडेड रिलीज में दे देंगे तो सिंगल डोज में देंगे। 6 आवर्स हाफ लाइफ है, ये भी मोस्ट इश्यूज को पेनिट्रेट करता है, लिवर में मेटाबोलाइज होता है और GI इंटॉलरेंस इससे कम है और इसकी लेस फ्रीक्वेंट डोजिंग इसलिए दी जाती है। नेक्स्ट है एजिथ्रोमाइसिन, ये भी डेरिवेटिव है एरिथ्रोमाइसिन का। इसमें हमने मेथिलेटेड नाइट्रोजन रिंग अटैच की है इलेक्ट्रॉन रिंग के साथ, 15 कार्बन वाली, जहां इलेक्ट्रॉन रिंग में जहां 15 कार्बन था वहां पे जाके हमने अटैच की है। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम सेम है इसका, लेस एक्टिव है एरिथ्रोमाइसिन और क्लरिथ्रोमाइसिन से फॉर स्टेफलोकोकाय एंड स्ट्रेप्टोकोकाय, और मोर एक्टिव है अगेंस्ट एच इन्फ्लुएंजा के, हाईली एक्टिव है अगेंस्ट क्लेमाइडिया स्पीशीज के। डिफरेंस कहाँ पे आता है, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज में, ये CSF को ये भी क्रॉस नहीं करता, फेगोसाइड कर जाता है सेल्स को ज्यादा बेटर तौर पे। हाफ लाइफ इसकी अप्रोक्सीमेटली 3 डेज है और इस वजह से इसकी 1 डेली डोज दी जाती है। 1 ग्राम डोज देते हैं एजिथ्रोमाइसिन की, और अगर हम डेली 1 ग्राम इसकी डोज दे रहे हैं तो वो डॉक्सी साइक्लिन के 7 डेज कोर्स है उससे उसके कंपेटेबिलिटी में आ जाता है। अच्छा, ये आगे हम पढ़ेंगे डॉक्सीसाइक्लिन। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के केस में लोडिंग डोज दी जाती है 500 मिलीग्राम। लोडिंग डोज क्या है, किसी को कोई आइडिया है लोडिंग डोज क्या चीज होती है? जी बच्चों, कोई आइडिया है लोडिंग डोज क्या चीज है? मैम, ये हायर डोज होती है जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तब। जी बच्चे, ट्रीटमेंट के स्टार्ट में हायर डोज दी जाती है ताकि हम एक दफा वो लेवल अचीव कर लें और फिर हम जो है वो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए बैलेंसिंग डोज देते रहते हैं, कि फिर हम एक लोअर लेवल पे आके कम डोज देते हैं। पहले हम एक दफा वो लेवल अचीव कर लें, इस वजह से लोडिंग डोज दी जाती है। ठीक है, तो लोडिंग डोज की 500 मिलीग्राम है और उसके बाद 250 मिलीग्राम सिंगल डेली डोज दी जाएगी नेक्स्ट 4 डेज के लिए, और खाने के साथ इसकी मील्स के साथ इसकी इंटरफेरेंस होती है, इस वजह से 1 घंटा पहले और 2 घंटे आफ्टर मील्स इसको हमने नहीं देना। जो ड्रग इंटरेक्शंस एरिथ्रोमाइसिन के केस में थे उसमें नहीं होते, क्योंकि 15 कार्बन पे आके ये अटैच हुआ था और जो 15 कार्बन है वो P450 एंजाइम से इनएक्टिवेट ही नहीं होता, जो लिवर का एंजाइम था जो बाकी ड्रग्स को भी वो इंटरेक्ट करता है, तो इस वजह से ये इसके ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शंस कम है। IV और परोरल रूट से दिया जाता है, मोस्ट कॉमन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी दिया जाता है, अनकॉम्प्लिकेटेड स्किन या स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शंस होंगे उनमें दिया जाता है। इसके अलावा ये कि 7 डे डोज पैक में दिया जाता है, और जो एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे इसके उसमें नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एबडोमिनल पेन और सुपर इन्फेक्शन है। एजिथ्रोमाइसिन मोस्ट कॉमनली आप लोगों ने आजकल नाम इसका बहुत ज्यादा सुना होगा, क्योंकि ये एजोमैक्स जो दी जा रही है अभी COVID-19 के केसेस में, कोविड के पेशेंट्स को दी जाती है, वो एजोमैक्स ही दी जाती है, और उसका मकसद भी यही है क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन है, इस वजह से इसको प्रेफर किया जा रहा है। ठीक है, बट ये बात याद रखिए कि ये एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल नहीं है, इसलिए कोरोना वायरस पे एक्ट नहीं करती, सिर्फ जो है वो कंडीशन को वर्स होने से बचाती है। ठीक है, जो वायरस के इफेक्ट्स आते हैं या अगर कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन हो रहा है उसको बचाती है। इसके अलावा इसके अपने सुपर एडेड इन्फेक्शन होते हैं, जो हमने कहा है कि सुपर इन्फेक्शन इसका एडवर्स इफेक्ट है, तो आप लोगों ने शायद पेशेंट्स अगर आपने कोई देखे हैं या सुना हो आप लोगों ने, तो उनमें टंग में वाइट ट्रैश और इस किस्म के जो है फंगल इन्फेक्शन,
वो कॉमन है. नेक्स्ट देखते हैं क्लिंटामाइसिन. क्लिंटामाइसिन है क्लोरीन सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव है लिंकोमाइसिन का. ये एक अलग क्लास है. मैक्रोलाइड हमारी खत्म हो गई है. क्लिंटामाइसिन एक अलग ड्रग है. ये भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है. इसे हमने स्ट्रेप्टोमाइसिस लिंकोलेंसिस से डिराइव किया है. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी यही है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. कैसे कि ये इंटरफेयर करता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनने देता अमाइनो एसाइल ट्रांसलोकेशन रिएक्शंस में. बाइंडिंग साइट इसकी भी 50S सब यूनिट है, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन की थी उसी तरीके से. रेजिस्टेंस इसकी कैसे डेवलप हो सकती है, राइबोसोमल साइट की म्यूटेशन हो गई, मॉडिफिकेशन हो गई रिसेप्टर की, या फिर एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन हो गई है क्लिंटामाइसिन की. एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इसका क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफलोकोकस, न्यूमोकोकस में, बोथ ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव एनरोब्स में. ठीक है, एनरोब्स में. जबकि जो एरोबिक हैं एंटेरोकोकस और ग्राम नेगेटिव एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेजिस्टेंट हैं. ठीक है, एनरोब्स में ये अपना एक्ट करता है और एरोबिक वाले जो है वो इससे रेजिस्टेंट है. इसके अलावा इसकी मैक्रोलाइड के साथ क्रॉस रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि सारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं तो इनकी क्रॉस रेजिस्टेंस भी डेवलप हुई हुई है. पेनिट्रेट कर जाता है मोस्ट टिश्यूज को, ब्रेन और CSF को भी क्रॉस कर लेता है. मेटाबॉलिज्म इसका अगेन लिवर में है, एक्सक्रीशन बाइल और यूरिन दोनों में. हाफ लाइफ 2.5 आवर्स है, जिसकी डोजेज है वो एवरी 8 आवर्स दी जाती है 0.15 से 0.3 ग्राम, और IV देंगे तो 600 मिलीग्राम एवरी 8 आवर्स है. स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इसे मोस्ट कॉमनली यूज कर रहे हैं, या फिर कम्युनिटी एक्वायर्ड MRSA स्ट्रेन जो है उसमें. इसके अलावा एनारोबिक इन्फेक्शन जो बैक्टीरियोइड से होंगे, इसके अलावा कॉम्बिनेशन में देते हैं इसे अमाइनोग्लाइकोसाइड या सेफलोस्पोरिन के साथ, तो वो गट और एब्डोमिन के जो पेनिट्रेटिंग वाउंड्स होते हैं उसको ट्रीट करती है. क्या होगा अगर हम इसे सेफलोस्पोरिन के साथ दे रहे हैं, तो वो सेल वॉल को ब्रेक डाउन करके अंदर दाखिल हो जाएगा और वहां पे ये अपना एक्शन शो करेगी. ठीक है, स्किन इन्फेक्शन में यूज कर रहे हैं तो फीमेल जेनिटल ट्रैक में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं सेप्टिक एब्जॉर्प्शन की वजह से, पेल्विक एब्सेसेस की वजह से, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से, उस केसेस में यूज करते हैं. जिन पेशेंट्स में पेंसिलिन एलर्जी होती है उनमें एज अल्टरनेटिव यूज करते हैं. और उसी तरीके से जो वेल्वुलर हार्ट डिजीज के पेशेंट्स है जिनमें हमने प्रोफाइलेक्टिकली यूज करना था किसी भी डेंटल प्रोसीजर से पहले, उसमें यूज करेंगे. क्लिंटामाइसिन को प्रिमाक्विन के साथ मिला के यूज करते हैं, जो कि अल्टरनेटिव है जब हम ट्रायमेथोप्रिम और सल्फामेथॉक्सिजोल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं. ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ट्रायमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्सिजोल, ये उसका अल्टरनेटिव बनता है. एडवर्स इफेक्ट्स में इसके डायरिया, नोजिया, स्किन रैशेज, इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन, न्यूट्रोपीनिया और जो है वो ये सारे आते हैं. और जो रिस्क फैक्टर है डायरिया का, कोलाइटिस और कोलाइटिस का, वो है क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल की वजह से. नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरामफेनिकोल. ये भी अगेन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है. इसमें क्रिस्टलाइन क्लोरामफेनिकोल होता है जो कि न्यूट्रल और स्टेबल कंपाउंड है. वाटर में सॉल्युबल नहीं है, सिर्फ अल्कोहल में सॉल्युबिलिटी होती है इसकी. और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पेरेंट्रल की जाती है क्लोरामफेनिकोल सक्सिनेट की. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, बाइंड कर जाता है 50S सब यूनिट के साथ और इनहिबिट कर देता है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को. बैक्टीरियोस्टैटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. रेजिस्टेंस इसकी डेवलप हो जाती है क्योंकि लेस परमियबिलिटी हो जाती है ड्रग की, या फिर वो इनएक्टिवेट कर देते हैं ड्रग को. कौन, क्लोरामफेनिकोल एसिटाइल ट्रांसफरेजेस, अगेन वही जो एंजाइम्स बनेंगे और वो डिग्रेडेशन कर देंगे. एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी इसकी अगेन एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए आ गई. वो हमने क्लिंटामाइसिन पढ़ी है जिसकी सिर्फ एनारोब्स के लिए, एरोब्स के लिए नहीं है. ये रिकेट्सी के लिए तो इफेक्टिव है लेकिन क्लेमाइडिया इन्फेक्शन के लिए नहीं है. बैक्टेरिसिडल होगा किस केस में, एच इन्फ्लुएंजा में, निजेरिया मेनिंजिटाइडस में और बैक्टीरियोइड्स के कुछ स्ट्रेन्स के लिए. रैपिडली और कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है, सारे बॉडी टिश्यूज में जाता है, CNS को भी कवर कर लेता है, उसको भी क्रॉस कर देता है. प्रोड्रग जो है, प्रोड्रग की बात कर रहे हैं, जो ओरल रूट है उसका इंटेस्टाइन में हाइड्रोलाइज होती है और वहां से फ्री क्लोरामफेनिकोल वहां से रिलीज होता है. पेरेंट्रल देंगे तो वो भी आगे जाके फिर हाइड्रोलाइज होगा और फ्री हमें क्लोरामफेनिकोल मिलेगा, फिर उसका इफेक्ट आता है. इनएक्टिवेशन हो सकती है इसकी जब ये ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ मिल जाए या रिडक्शन हो जाए एराइल अमाइंस के साथ.
एक्टिव क्लोरमफेनिकोल 10% और इनएक्टिव जो है 90% ये यूरिन में एलिमिनेट हो जाते हैं. ठीक है, डिग्रेडेशन हो गई थी वहां पे, तो जो एक्टिव बचा वो सिर्फ 10% बचा और जो इनएक्टिव था वो 90% होता है, और जो स्मॉल अमाउंट है वो बाइल और फीसिस में. अब इसकी डोजेज जो दी जाती है वो 50-100 मिलीग्राम पर केजी पर डे दी जाती है, यानी कि बॉडी वेट के हिसाब से देनी है हमने इसकी डोजेज. ठीक है, इसके अलावा कौन सी ड्रग है अब तक जो हमने पढ़ी हो जो बॉडी वेट के हिसाब से देनी है, याद है कुछ आप लोगों को? जी बच्चों, कुछ याद है कौन सी ड्रग है जो बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं हम? बताएं बच्चों. किसी को नहीं याद? मैम डायबिटीज. जी बेटा, डायबिटीज में इंसुलिन देते हैं, वो भी हम बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं. शाबाश. ग्लूकोजन भी देते हैं. जी बच्चे, ग्लूकोजन इंसुलिन देते हैं बेटे. हाँ जी, ग्लूकागोन. अच्छा, ये मुझे किसने बताया था डायबिटीज के केस में? मैम मैंने बताया था. एक्सक्यूज मी मैम, इफ्रा आपने बताया था? जी मैम. ठीक है बच्चे, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इसके. हाँ जी, इनएक्टिवेशन हमने यूजर डोजेस. जी बच्चे, मैम अगर पेशेंट ओबेस हो, लाइक ओबेसिटी टाइप 2-3, तो उसमें भी डोजेज देखी दी जाएगी इफ अ हार्ट पेशेंट? हाँ जी बच्चे, जो भी देना है हमने वो बॉडी वेट के हिसाब से देनी है ये ड्रग. ठीक है, ओके मैम. अच्छा, इसका जो यूज है वो बहुत कम है. किस वजह से? क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और इसके अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए इसको रेयरली यूज किया जाता है. बहुत मोस्ट कॉमन अगर इसका कोई यूज है तो वो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है, जो कि रिकेट्सिल इन्फेक्शन है और टाइफस है, इन दोनों केसेस में यूज किया जाता है. रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर इस तरह का होता है, और ये भी आप लोगों ने बहुत रेयरली कुछ देखा होगा. इसमें विटालेक्टाम एंटीबायोटिक का अल्टरनेटिव है फॉर बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, जिनमें हाइपर सेंसिटिविटी हो पेंसिलीन से, लेकिन उसमें भी किस तरीके से दिया जाएगा? 50-100 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन 4 डिवाइडेड डोजेस. वाई डिवाइडेड डोजेस? क्योंकि अगर हमारे पास एक पेशेंट 70 केजी का है और अगर हमने उसमें 100 मिलीग्राम ड्रग देनी है, तो 70 केजी के साथ वो 7000 मिलीग्राम बन जाएगी. ठीक है, तो वो फिर हम पर केजी के हिसाब से देंगे तो वो एक साथ नहीं दे सकते, इस वजह से हम उस पर 4 डिवाइडेड डोजेस में दे देते हैं. टॉपिकली यूज करते हैं आई इन्फेक्शंस में. आई इन्फेक्शंस के लिए इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्योंकि ये पेनिट्रेट कर जाता है ओरल ऑक्यूलर टिश्यूज को भी और एक्वस ह्यूमर को भी. एक्वस ह्यूमर वो जो आई के अंदर प्रेजेंट होता है लिक्विड जिसने मेंटेन किया हुआ होता है, उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं. एडवर्स रिएक्शंस में इसके भी GI डिस्टर्बेंसेस, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया है. इसके अलावा ओरल एंड वजाइनल कैंडिडाइसिस है. कैंडिडाइसिस कैंडिडा के इन्फेक्शन होते हैं, जो कि कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से होता है, जो कि एक वो है फंगल इन्फेक्शन है. जी बच्चे, रीहा आपने कुछ कहना है? मैम पीछे जो था कि 50-100 ग्राम्स पर केजी आप डोज का लिखा हुआ था, 50-100 पर केजी, तो वो हमें कैसे पता कि 50 देना है या 100 देना है या बीच की कोई वैल्यू देनी है? जी बेटा, बीच की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, यही बताया हुआ है कि 50-100 तक देनी है. ठीक है, 50 दे दे या 100 दे दे. ठीक है, एग्जैक्टली ये प्रेफरेबल है. हाँ जी, इसमें फिर ये चीज देखी गई है एडवर्स रिएक्शंस में इसके, कि ये सप्रेस कर देती है रेड सेल्स की प्रोडक्शन को. डोज रिलेटेड है, जितनी ज्यादा डोजेज देंगे उतनी ज्यादा सप्रेशन होगी रेड सेल की. अगर हमने 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे से ज्यादा दी है 1-2 हफ्तों के लिए, तब ये केस आता है. इसलिए मिनिमल अमाउंट 50 है, तो 50 फिर प्रेफरेबल की जाती है उनमें जिनमें अगर, अब देखिए ये केस आ गया ना कि रेड सेल की प्रोडक्शन को कम कर रही है, तो हमने इसको अब हमारे पास कोई एनीमिक पेशेंट आ जाता है या कोई थिन लीन पेशेंट आ जाता है, तो हम उसमें 100 मिलीग्राम के बजाय प्रेफर करेंगे कि हम 50 मिलीग्राम दें, ताकि हम ये रेड सेल की प्रोडक्शन जो है वो सप्रेस ना हो. ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया
करते कॉज करती है, क्योंकि हमने बात की कि ये सप्रेशन करी है रेड सेल की, तो ये प्लास्टिक एनीमिया भी कॉज कर देती है. वो इडियोसिनक्रेटिक रिएक्शन है, लेकिन वो डोज रिलेटेड नहीं है, उसकी हमें रीजन नहीं पता कि वो चाहे 50 दें चाहे 100 दें, ये पेशेंट्स में देखा गया है. ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या चीज है? न्यू बॉर्न में अगर जब हम देते हैं इस ड्रग को, तो उसमें क्या है कि अगर हमने 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ज्यादा दी है तो वो एक्यूमुलेट हो जाती है, और वहां पे फिर ये इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, वॉमिटिंग कॉज करती है, फ्लेक्सिडिटी कॉज करती है, हाइपोथर्मिया और ग्रे कलर. ग्रे कलर में क्या रीजन है कि एनीमिक सा हो गया है पेशेंट, पेल और ब्लू से स्किन हो जाती है, और आईज उसकी लिथार्जिक हो जाती हैं. लिथार्जिक का मतलब ये है कि डल एंड इनएक्टिव लाइक, और थोड़ी सी स्लगिश सी उनकी मूवमेंट हो जाती है, उसे हम कहेंगे लिथार्जिक. इस वजह से हम उसको फिर ग्रे बेबी सिंड्रोम कहते हैं. तो न्यू बॉर्न्स में फिर हम इसकी डोज को 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे से भी कम रखते हैं. ठीक है, होगा क्या ग्रे बेबी सिंड्रोम में, शॉक में जा सकता है, वस्कुलर कोलैप्स हो सकता है. तो फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए डोज को केयरफुली डिसाइड करते हैं पेशेंट्स में और इन्फेंट्स में स्पेसिफिकली, और उसको फिर हम 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से भी कम रखते हैं. एडवर्स रिएक्शंस जो हैं इसके, इनहिबिट कर देता है पेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स को, अदर ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर देता है, हाफ लाइफ इन ड्रग्स की प्रोलोंग कर देगा, किस किस की, फेनिटोइन की, टोलब्यूटामाइड की, क्लोरप्रोपामाइड की और वॉरफेरिन की. ये समरी का टेबल है, एक दफा हमने डिस्कस किया था सेल वॉल इनहिबिटर्स पढ़ते हुए कि जिस तरीके से हम टेबल बनाना चाह रहे थे जिसमें सारी चीजें आ जाएं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसकी उसका बैक्टीरियोसाइडल है कि बैक्टीरियोस्टेटिक है, उसके क्लिनिकल यूजेस और उसकी जो है वो डोजेज के किस तरीके से उसे देना है और एडवर्स इफेक्ट्स. तो ये एक टेबल मुझे मिला था, मैंने ऐड कर दिया है जस्ट यहाँ पे, लेकिन ये उतना सही नहीं है और इसमें सारी चीजें नहीं मौजूद जो कि हमने लेक्चर में पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी काफी एक रफ सा आइडिया जरूर है. तो इसमें आप इसको फॉलो करते हुए बेशक अपने हिसाब से बना लें या आप इसी में ऐड कर लें. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग बाकी भी जैसे हमने सेल वॉल इनहिबिटर्स पढ़े थे उनका भी एक इस तरीके का चार्ट बना लें और फिर इनका भी एक चार्ट बना लें, इसमें ही अपने लेक्चर को देख देख के ऐड करते जाएं, तो आपको पूरे लेक्चर को गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक चार्ट से ही आपको जो है वो पूरा रिवीजन हो जाएगी और पता चल जाएगा. मैं अगेन कह रही हूँ कि ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, सिर्फ ये वाला चार्ट ना पढ़ लीजिएगा कि मैम ने कहा था बस यही पढ़ लो तो काफी होगा, ये पूरा नहीं है. आप इसके साथ आपने लेक्चर के पॉइंट्स ऐड करने हैं. कोई चीज जो नहीं समझ में आई हुई आज प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में से तो वो पूछ लें मुझसे. जी बच्चों, कोई चीज जो नहीं समझ में आई हुई वो बता दीजिए. ठीक है, सब कुछ समझ आ गया? यस मैम. यस मैम. ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.